बड़गाम में कल हुए आतंकी हमले में गंभीर रूप से घायल हुए विशेष पुलिस अधिकारी के भाई की भी आज सुबह श्रीनगर के अस्पताल में मौत हो गई है। इस घटना में मृतकों की संख्या 2 हो गई है। एक अधिकारी ने बताया कि एक और छात्र की मौत हो गई है। एसपीओ के भाई उमरजान ने जेवीसी अस्पताल बेमीना में सुबह 5 बजे आखिरी सांस ली। एसपीओ गुलाम मोहम्मद के बेटे इशफाक अहमद को गोली लगी थी, उसे अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया था। उमर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, लेकिन आज सुबह उमर ने अंतिम सांस ली। कश्मीर जोन पुलिस ने कल ट्वीट किया था कि एसपीओ इशफाक अहमद और उनके भाई उमर जान पर आतंकवादियों ने बड़गाम के गांव में उनके आवास पर गोलियां चलाई थी, जिसमें दोनों की जान चली गई है।